हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर सीजीएल को ध्यान में रखते हुए आपके पास एंटो साइनो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आइडियम्स का वीडियो स्पेशल में लाया हूं। बिना समय गवाए आप दोस्तों फ्रेंड्स जरा बोर्ड पर ध्यान देंगे। मैंने यहां साइनो लिया है, मैं दो दो बार बिल्कुल धीरे धीरे बोलूंगा। आप मेरे साथ भी अगर बोलेंगे घर पर ही बैठ के तो आपको इसी तरह लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। और हिंदी भी मैंने दिया है कि आगे हिंदी से भी आप इंग्लिश, वहां तो चॉइस रहता है, तो जब चार चॉइस में एक आएगा तो आपका माइंड एकदम स्ट्राइक करेगा कि यही होगा उसका ऑप्शंस। पहला ग्रैंडियर, जी आर ए एन डी ई यू आर ग्रैंडियर। मैग्निफिसेंस, एम ए जी एन आई एफ आई सी ई एन सी ई बड़ा, विशाल, बृहत। तो क्या होगा, ग्रैंडियर मैग्निफिसेंस, ये क्लियर हो गया। सेकंड इंसेप्शन, आई एन सी ई पी टी आई ओ एन इंसेप्शन। बिगिनिंग शुरुआत, बी ई जी आई एन आई फिर एन आई जी एन जी डबल एन आई एन जी। तो क्या बोलेंगे, इंसेप्शन और बिगिनिंग। इधर था ग्रैंडियर मैग्निफिसेंस, इंसेप्शन बिगिनिंग। कॉलोजल, सी ओ एल ओ डबल एस एल कॉलोजल एनोरमस विशाल बृहत। आप देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपके चार वर्ड्स ऑटोमेटिकली साइनो हो गए। तो ये चार वर्ड्स में अगर एक देता है मेन वर्ड ऑप्शंस तो आपके पास ये चारों वर्ड स्टॉक में आ गया। नेक्स्ट पैराडॉक्स, पैराडॉक्स पी ए आर ए डी ओ एक्स, उसका होगा पजल, जटिल, पहेली, कठिन, है ना। तो जो भी हमारा होता है साइनो, हमारा हिंदी भी वही होता है, क्योंकि इसका है इसकी हिंदी है तो नाम ही है समान अर्थक, द बेस्ट मीनिंग। तो पैराडॉक्स का पजल, जटिल। नेक्स्ट है प्रोलिफरेट, पी आर ओ एल ई सॉरी पी आर ओ एल आई एफ ई आर ए टी ई प्रोलिफरेट। रिप्रोड्यूस, बृहत, संख्या में बढ़ना, वृद्धि, इंक्रीज इन नंबर्स। तो प्रोलिफरेट, रिप्रोड्यूस। अब हम इसको देखे रिपीट कर रहे हैं, ग्रैंडियर मैग्निफिसेंस इंसेप्शन बिगिनिंग कॉलोजल एनोरमस पैराडॉक्स पजल एंड प्रोलिफरेट रिप्रोड्यूस। ये हो गया तैयार। अब आते हैं एंटो, ऑपोजिट इन मीनिंग। कॉन्सिलिएशन, सी ओ एन सी आई एल आई ए टी आई ओ एन कॉन्सिलिएशन, क्या होता है, सुलह, समझौता। इसका ऑपोजिट होगा कन्फ्रंटेशन, झगड़ा। क्या हो गया, तो कॉन्सिलेशन का ऑपोजिट होगा कन्फ्रंटेशन, सुलह का उल्टा झगड़ा। माइथ, झूठ, एम वाई टी एच, उसका होगा ट्रूथ, सत्य, सच। तो माइथ हो गया ट्रूथ, टी आर यू टी एच। रेल्यूटेंटली, रेल्यूटेंटली आर ई एल यू सी टी ई एन टी एल वाई रेल्यूटेंटली, अनिच्छा, मतलब जब हमारा इच्छा नहीं होती है किसी का, उबाऊ मन से, बेवस मन से, तो हम कहते हैं रिलक्टेंटली है, अनिच्छा है। और उसका ऑपोजिट है विलिंगली, बड़ी इच्छा से आप काम करते हैं, विलिंगनेस जिसको कहते हैं, डब्ल्यू आई डबल एल आई एन जी एल वाई विलिंगली, विल जो होता है उसी से बना। नेक्स्ट म्यूटिडेट, म्यूटिडेट सॉरी म्यूटिलेट एम यू टी आई एल आई टी ई म्यूटिलेट, नष्ट करना, मरोड़ देना, बेकार कर देना, तो क्या हो गया, बर्बाद कर देना, उसका होगा मेंड, बनाना, मरम्मत करना। तो इसका हो गया म्यूटिलेट मेंड। द लास्ट लेमेंट, शोक मनाना, एल ए एम ई एन टी, तो उसका ऑपोजिट रिजॉयस, खुशी मनाना, आर ई जे ओ आई सी ई। इसको भी आप एक एट ए ग्लांस पढ़ेंगे। कॉन्सिलिएशन, कन्फ्रंटेशन, माइथ, ट्रूथ, रिलक्टेंटली, विलिंगनेस या विलिंगली, म्यूटिलेट नष्ट करना, मेंड, लेमेंट रिज्वास या खुशी मनाना। यस फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, यहां आते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ड्रॉ ड्रीव ऑन हिज फैंसी, इसमें हिंदी जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन हार्ड वोकैब जहां आया है मैं कोशिश किया हूं कि आपको वहां पर मैं बताऊं। ड्रीव ऑन हिज फैंसी, द यूज हिज इमेजिनेशन, इसका अगर फ्रेजल आएगा आप इसको ध्यान देंगे, यूज हिज इमेजिनेशन। पे थ्रू हिज नोज, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, पे थ्रू हिज नोज, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, टू बी कंप्लेसेंट,
तो लॉरल्स अगर हार्ड वर्ड आता है तो आपका हो गया बहादुर पुरस्कार, ब्रेवरी अवार्ड इसको कहते हैं, कंप्लेसेंट और आत्मसंतुष्टि यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ कंटेंट, बहुत सारे वर्ड्स हैं। टू गिव हिम ए पीस ऑफ माय माइंड इसका होगा, टू रिप्रेमेंड हिम जिसको डांटना पड़ता है, स्कॉल्ड कहते हैं ना, रेब्यूक भी कहते हैं, तो क्या होता है टू गिव हिम ए पीस ऑफ माय माइंड, टू रेप्रीमेंड हिम। तो आइडियम्स फ्रेजेस में डायरेक्ट मीनिंग बिल्कुल नहीं होता है, एकदम डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। मेड नो बोन्स अबाउट उसको अगर डिडंट हैव एनी हेजिटेशन इन, जिसमें हिचक नहीं हो, झिझक नहीं हो। अब देखिए यहां बोन्स में हड्डी होता है तो मेड नो बोन्स अबाउट, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा इसको, कोई फ्रेजल इसलिए होगा डिडंट हैव एनी हेजिटेशन इन। अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। One who goes to settle in another country, one who goes to settle in another country means emigrant, उत्प्रवासी, जो यहां से उठकर कहीं दूसरे देश में जाके बस जाता है उसको हम emigrant बोलते हैं। One who hates mankind, यानी जो हम मनुष्य से नफरत करें, तो one who hates mankind means anthro, मानव द्वेषी, दोषी नहीं द्वेषी, जो द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, सो क्या बोलेंगे मिस एंथ्रो, वन हु मेट हिट्स मैनकाइंड। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्व नागरिक, जो हर एक देश में जाकर उपलब्ध रहता है, तो बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स, एटिमोलॉजी यानी व्युत्पत्ति विज्ञान, जहां से उसका उद्गम होता है, उसका नाम है व्युत्पत्ति। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, एटिमोलॉजी ओरिजिन हो रहा है। द लास्ट इज अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, वैसी कोई जगह जहां पर दर्शक उद्घोष बैठती है, तो क्या बोलते हैं ऑडिटोरियम, प्रेक्षागृह। वंस अगेन, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एन ऑडिटोरियम, प्रेक्षागृह। अब देखिए वॉयस है, मैं एंटो साइनो या साइनो एंटो आइडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद हर वीडियो में मैं एक पूरा सेक्शन तैयार करता हूं, तो अब मैं वॉयस बता रहा हूं आपको। क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं, या एक्टिव रहेगा तो पैसिव बनाना का चॉइस रहता है वहां, तो चॉइस देके आपको पकड़ना है कि इसका वॉयस कैसे बनेगा, और अगर पैसिव हो तो एक्टिव। तो मैंने वॉयस दिया, जहां एक्टिव से पैसिव वो मैं बता दूंगा, जहां पैसिव टू एक्टिव वो भी मैं आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स, आप बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देखें और सुने। दिस शर्ट कांट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर, ये वॉयस मैं पैसिव दे दिया है। अब देखिए, मैंने अगर एक्टिव किया होता तो ये रॉन्ग हो जाता, इसे मैंने लिखा वॉयस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्टिव है या पैसिव। तो दिस शर्ट कांट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर, ये वॉयस पैसिव है। एक्टिव क्या होगा, आई कैन नॉट वियर दिस शर्ट बाय एनी लॉन्गर, I cannot wear this shirt any longer। अब इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये हो जाएगा। एक्टिव हो तो पैसिव, और पैसिव है तो एक्टिव। क्वेश्चन नंबर टू, अ लायन डजंट ईट ग्रास हाउएवर हंगरी ही मे बी, अ लायन डजंट ईट ग्रास हाउएवर हंगरी ही मे बी। इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए मैं एक बार फिर रिपीट आपको करवा दूं, ताकि एकदम लर्न बाय हर्ट, कि डू नॉट डज नॉट को हम कन्वर्ट करते हैं इज एम आर में, नॉट तो रहेगा ही, डू और डज कहेंगे, और डिड को हम वाज और वर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब डजंट आ गया तो माइंड सेट होना चाहिए कि जो इसका ऑब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो देखिए ग्रास आ गया, मैथियल गाउन तो सिंगुलर होगा ऑब्वियसली, तो ग्रास इज नॉट ईटन बाई अ लायन हाउएवर हंग्री ही मे बी। तो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का वैसे ही रह जाएगा, देखो मेन मेरा ऑब्जेक्ट था ग्रास, ग्रास इज नॉट ईटन बाय अ लायन हाउएवर हंग्री ही मे बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समवन सॉ हिम पिकिंग अप अगेन ए गन, यानी ये भी पास्ट टेंस का है, समवन सॉ हिम पिकिंग अप ए गन, ही वॉज सीन, यानी ऑब्जेक्ट था तो ही वॉज सीन पिकिंग अप अ गन। बाय समवन अगर देते हैं तो ठीक है, लेकिन बाई समवन ना भी दे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही माना जाएगा। मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि बाई प्लस एजेंट का हम यूज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, अगर जरूरत हो तो ठीक है, नहीं है तो सेंटेंस ऐसे भी रॉन्ग नहीं होगा। तो पीपल, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी,
जैसे वर्ड्स है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम नहीं लेते हैं। ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन, यहां भी देखिए पैसिव वॉइस है, ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा है तो क्या हुआ, सर्कमस्टांसेस ऑब्लाइज हिम टू रिजाइन। ये एकदम बिलो इंटेलिजेंसी है, यहां पर आप खोजते रह जाएंगे, चॉइस तो वहां रहेगा लेकिन लड़के समझ नहीं पाएंगे। तो मैं थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लिया, ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन का एक्टिव हो जाएगा, सर्कमस्टांसेस ऑब्लाइज हिम टू रिजाइन। वाई डिड यू नॉट गेट रेडी टू माई प्रपोजल, फिर अगेन आ गया डिड आ गया, पैसिव वॉइस नहीं एक्टिव है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड को वर होगा, ये वॉज ओवर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाई यू, एग्रीड टू बाई यू, ये प्रीपोजिशनल वर्ब है, आप नहीं सोचेंगे कि बाई है तो टू क्यों लगाएंगे। तो वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाई यू, ऐसे पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट, डोंट स्पीक, ये सेंटेंस में दो है, अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, ये भी आपका डोंट आ गया, इंपरेटिव सेंटेंस आ गया। डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, लेकिन मेरा पैसिव वॉइस इसका बनेगा क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इंपरेटिव सेंटेंस, ये ऐसे ही इंटैक्ट उतर जाएगा। तो डोंट स्पीक अंटिल यू आर स्पोकन टू, डोंट स्पीक ये रह गया, अंटिल यू आर स्पोकन टू, यहां यू है तो आर स्पोकन टू, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का था। फिर नेक्स्ट देखिए, डिड द नॉइज फ्राइटन यू, ये फिर पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस है, तो फिर आ गया था वर यू, यहां यू के अनुसार वर आ गया, तो वर यू फ्राइटेंड बाय द नॉइज, वर यू फ्राइटेंड बाय द नॉइज। द लास्ट क्वेश्चन, वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बीइंग लगता है, बेसिक मैंने बता दिया, फिर मैं रिमाइंड करा दूं तो क्या होगा, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच्ड बाय अस, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच्ड बाय अस। तो सारे रूल्स को एकदम वॉयस का देखेंगे, ध्यान रखेंगे, इंडेफिनिट पे इज एम आर, डैट बी थ्री, कंटिन्यूअस पे इज एम आर प्लस बीइंग, परफेक्ट में हैज है प्लस बीन, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता ही नहीं। तो दिस इज द एंड ऑफ द दिस टूडेज लेक्चर, साइनो एंटो एडियोम्स वन वर्ड एंड वॉयस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप अंत में यही बोलेंगे, जरूर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बताएं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर सपोर्ट।